आज मथुरा हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित कई मंदिर है। इसलिए हमने भी इस यात्रा पर जाने का निश्चय किया और हमने रेल से अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में काफी सुंदर दृश्य देखने को मिले। यह सफर काफी आनंददायक था। आखिरकार हम 5 घंटे की यात्रा के बाद मथुरा स्टेशन पहुंचे। मथुरा स्टेशन उतरते ही हमने यहां पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इसके पश्चात हमने सवेरे 5 बजे से मथुरा की यात्रा शुरू की। सबसे पहले हम यमुना तट पर गए। यहां का सवेरे का दृश्य काफी मनोरम था। माँ यमुना का अति सुंदर रूप देखकर मन प्रसन्न चित्त हो गया। सबसे पहले हमने नाव के द्वारा यमुना के बीच जाकर आनंद लिया, अर्थात बोटिंग की। नदी का बहाव भी काफी तेज था। पक्षियों के चहकने की मधुर आवाज भी कानों में मिश्री घोल रही थी। यमुना नदी के तट की बात ही कुछ अलग है। जैसे जैसे सूर्य अपनी प्रकाश की किरणें तेज कर रहा था, वैसे ही घाट पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने लगी थी। ठंडी हवा के झोंके हमें और ज्यादा प्रफुल्लित कर रहे थे। स्नान करने के पश्चात हमने द्वारकाधीश मंदिर की ओर चलना शुरू किया। मथुरा की गलियों की तो बात ही अलग है। यहाँ की सजी धजी दुकानों की नाम प्लेट एक ही डिजाइन की थी, जो इस स्थान को कुछ अलग बना रही थी। पेड़े के प्रसाद की सजी दुकानें रास्ते में खुल चुकी थी। कुछ लोग तेजी से दर्शन करके आगे की ओर बढ़ रहे थे। कुछ मीटर चलने के बाद आखिरकार हम द्वारकाधीश मंदिर पहुंच ही गए। यह काफी खूबसूरत था। द्वारकाधीश दर्शन करते ही हम कंस किले की ओर बढ़ गए। रास्ते में एक लड़की हमें घूरने की कोशिश कर रही थी। कंस किले के समीप पहुंचते ही जो नजारा हमारे सामने था, उसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ के स्थानीय निवासी यमुना के किनारे अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी कर रहे थे। कोई झूला झूल रहा था तो कोई क्रिकेट खेलने में मग्न था। कंस किला वैसे अब खंडहर में बदल चुका है, किंतु फिर भी आप इसे देखने जा सकते हैं। यहाँ से यमुना का जो विहंगम दृश्य है वो काफी खूबसूरत है।
वास्तव में आपके लिए यह एक बेहतरीन और रोमांचक एक्सपीरियंस हो सकता है। यमुना नदी का यह विहंगम दृश्य हमें काफी आनंदित कर रहा था। हमने यहाँ पर काफी समय गुजारा। अब हम लोग फिर से अपनी यात्रा की ओर बढ़ गए। हमने यहाँ से एक ऑटो किया और श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ बढ़ चले। रास्ते में स्थानीय लोग अपने काम में मस्त थे, तो कुछ यात्री और श्रद्धालु अपनी जर्नी का लुत्फ उठा रहे थे। रिक्शे का ये सफर हमने काफी एंजॉय किया। ए चाचा, थोड़ा साइड में, हाँ चपेट में आ जाएगा। चलो चलो चलो, चलने दो। हाँ चलो भाई, चलो 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 चलो। ए साइड 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 साइड, बैठे बैठे, थोड़ा थोड़ा साइड हो जाए, साइड हो जाए। चलो हाँ, चलो 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 चलो, हाँ चलो। ए एक्टिवा, थोड़ा थोड़ा साइड 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 साइड, हाँ चलो चलो चलो। अबे ये रिक्शे कहाँ घुसा रहा है भाई, तू बीच में है, थोड़ा साइड यार। अरे 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 तांगा रिक्शा, अरे भाई 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 भाई, यार चलने दो चलने दो चलने दो भाई, चलो। अरे यार ताऊ है, ताऊ थोड़ा साइड है, चलो भाई चलो 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 चलो। अरे ये लोग, अरे कैसे चल रहे हैं भाई, ये कैसे चल रहे हैं। अरे चलो हाँ चलो। ए ताऊ है, चल चल भाई, चल 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 भाई, चल चल चल। अरे भागे भागे, बैंगन है, बैंगन ले गया, ले गए, बैंगन ले गया भाई यार। एवरीथिंग इज क्लियर, हाँ यस। ओ ये आगे निकल गए, ओ ये भी, ओ माय गॉड भाई, थोड़ा तेज चलाना यार भाई, हर कोई ओवरटेक कर रहा है। ए ताऊ ताऊ थोड़ा साइड, हाँ चलो चलो भाई, चलो चलो। ए भाई ऑटो तेरी, तो तू रुक, तू रुक साले, तू रुक अभी देख। पतंग मेरा हवा में होके मलंग, जन्मभूमि पहुंचकर हमने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली देखी और इस विशाल प्रांगण वाले मंदिर को भी देखा। इस मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा, बैग, शस्त्र एवं किसी भी प्रकार की अन्य सामग्री आप अंदर नहीं ले जा सकते, पता नहीं किस कारण, लेकिन हमने मुख्य दरवाजे पर कुछ सेल्फीज जरूर ली। इसके बाद हम बिड़ला मंदिर की ओर बढ़ गए। यहाँ पर एक गीता स्तंभ स्थित है, जिस पर गीता के 18 अध्याय के पूरे श्लोक चित्रित किए गए हैं। यह काफी अनोखी बात है कि एक स्तंभ पर पूरी गीता को अंकित किया गया है। इस पर पार्थ और श्री कृष्ण के सुंदर चित्र भी अंकित है। यहीं पास में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। गीता स्तंभ के समीप मोक्ष रथ भी स्थित है, यह भी काफी सुंदर है। और यह है बिरला मंदिर, किंतु मंदिर के अंदर फोटोग्राफी निषेध है। इसी परिसर में आप दुकानों में से कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। यह बिरला मंदिर का मुख्य गेट है। यहाँ पर छोटे बच्चों की पोशाकें एवं बाल कृष्ण के वस्त्र भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा पालकियां भी यहाँ आप खरीद सकते हैं, जो कि काफी सुंदर है। इसके पश्चात जो अगला मंदिर आता है वह है पागल बाबा का मंदिर। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर जब आप इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर इस मंदिर को देखेंगे तो आप बस इसे देखते ही रह जाएंगे।
सफेद मार्बल से बना यह मंदिर बेहद विशाल और अतीव सुंदर है। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। मंदिर में आप श्री कृष्ण और अर्जुन की सुंदर प्रतिमा भी देख सकते हैं। चार आंसू वाले रथ पर श्री कृष्ण अर्जुन को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके अलावा मंदिर में राधा कृष्ण की अति सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है। बगल में ही पागल बाबा का मंदिर भी स्थित है, साथ ही इनकी समाधि भी यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े और रास्ते में चलते हुए हमने श्री रामानंद चार्य द्वार में प्रवेश किया। यह काफी विशाल है। रास्ते में रिमझिम बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदों में भीगते हुए एवं श्री कृष्ण के रंग में डूबकर हम अपनी यात्रा में निरंतर बढ़ते चले जा रहे थे। आगे की यात्रा आप अगली वीडियो में जरूर देखें। वीडियो लंबी होने की वजह से हम इस पार्ट को यहीं पर स्थगित कर रहे हैं। जय श्री राधे।